शतरंज में बाद एक बार फिर से राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सांसदी क्या गई? कांग्रेस पार्टी ने इसे जनता के हित की आवाज उठाने की सजा बताकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सड़क हो या फिर संसद हो, नॉर्थ इंडिया हो या फिर साउथ इंडिया, राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार को तानाशाह सरकार बताया जा रहा है और इसी के चलते बाकायदा लोकतंत्र के खतरे का जिक्र कर काले कपड़े पहनकर विरोध जताया जा रहा है। यानी लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को जीतने में जुटी कांग्रेस को सत्ताधारियों को मात देनी होगी। लोकतंत्र जब खतरे में आता है तो सड़कों पर संग्राम दिखता है। ये कहना है देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का, जिसने वर्तमान की सरकार को हिटलर की सरकार बताकर ये कहने की कोशिश की है कि देश में लोकतंत्र बचा नहीं। कारण एक ही है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाना। तभी तो देश भर में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर ये बताने की कोशिश में जुटी है कि जनता जाग जाए। अभी भी वक्त है, वरना सत्ताधारी अडानी के साथ मिलकर देश को लूट लेंगे। हालांकि राहुल गांधी को मिली सजा के बाद कांग्रेस पार्टी थोड़ी जागी जरूर, लेकिन सुर बुलंद है। और जो खासकर राहुल गांधी जी के ऊपर इतना अन्याय हुआ कि जो उनके ऊपर केस डाला गया वो मेरे स्टेट का है, कोलार का है, और कोलार में जो उन्होंने चुनावी भाषण में बात की थी उसको लेकर आप गुजरात में सूरत में केस डालते हो। अरे द ऑफेंस ऑकर्ड एट कोलार इन कर्नाटका, बट यू हैव रजिस्टर्ड द केस इन सूरत आउटसाइड द जुरिसडिक्शन एंड गुजरात। क्यों? बिकॉज यू वांटेड द फेवरेबल गवर्नमेंट, देर इज ए गुजरात गवर्नमेंट एंड यू वांट टू यूज द पुलिस, यू वांट टू यूज I can't say judiciary, but you want to use for your purpose to defame Rahul Gandhi ji. That's why you people transferred the case there. Therefore, I am telling, ये कुछ सांट गांठ दोनों की है। वो सांट गांठ क्या है ये बाहर आएगा। तो इसीलिए आज जो एक काला दिन है डेमोक्रेसी में, ब्लैक डे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने वालों को नौटंकी करार दिया है और कह रही है कि क्या काले कपड़े पहनकर पिछड़ा समाज के लोगों को कहे अपशब्द धुल जाएंगे? और पिछड़ों का अपमान करने का, अपशब्द बोलने का काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है? अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी, कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में जाके भारत का अपमान करता है और वापस आकर वो नहीं बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पिछड़ों को इसी तरह से ही अपशब्द अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी? क्या कांग्रेस काले कपड़े काले कारनामे करने के बाद पहनती रहेगी? क्या काले जादू तक भी अब ये पार्टी जाएगी अपने बचाव के लिए? आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार मोदी सरकार को बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी की ओर से पिछड़ा समाज के लोगों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को हथियार बनाकर मात देने की कवायद तेज कर दी है।